बम बम सुस्वागतम। क्या बोला था भाई, जीतेंगे ना अपने देश के ऊपर। अपने देश में तुम 110% भरोसा कर सकते हो। तुम अपनी बंदी के ऊपर भरोसा करो ना करो, टीम इंडिया को टीम इंडिया में फुल ट्रस्ट करो। तो इसी बात पे कर लो सब्सक्राइब और आज नंडो मीम्स देखते हैं। कॉर्पोरेट नीड्स यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पिक्चर एंड दिस पिक्चर, दे आर द सेम पिक्चर। भाई डिटो, क्या बात कर रहे हो, लेजिट कॉपी। मैं तो कहता हूँ जूनियर एनटीआर को ही रोहित शर्मा की बायोपिक प्ले करनी चाहिए। कब बन रही है रोहित भाई आपके ऊपर पिक्चर? पता नहीं। दोस्तों से टेस्ट क्रिकेट इज बोरिंग, दे आरंट ट्रू क्रिकेट फैंस। हम चार भाई, चारों था भाई। मैं तो भाई पहले ही कहता हूँ, जो रेडमैन सेट्स का सब्सक्राइबर है उसको टेस्ट क्रिकेट से प्यार करना इज कंपलसरी। अगर तुम इस चैनल के सब्सक्राइबर हो और तुम अगर टेस्ट से प्यार नहीं करते तो घंटा तुम इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, फिर तो कहीं और से आए हो तुम। टेस्ट से प्यार करना सीखो लोंडो। अपनी बंदी से प्यार करो ना करो, पर टेस्ट से जरूर करो। आज बंदी बंदी बहुत हो रहा है तो उससे मेरा क्या फायदा। दिलजीत कॉन्सर्ट, कोल्ड प्ले टिकट्स, वर्ल्ड कप ये याद है क्यों? दो मैचेस के खाली टिकट्स मिले थे, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड अहमदाबाद स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान वानखेड़े स्टेडियम। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हल्का फुल्का रिग्रेट है कि मतलब इतना भी कुछ क्रेजी नहीं देखने को मिला। फर्स्ट मैच जो था अच्छी थी मैच, रचिन रविंद्र का हमने डेब्यू देखा ओडीआई के अंदर। मतलब वो डेब्यू नहीं था पर उसके वर्ल्ड कप का पहला मैच था तो काफी क्रेजी इनिंग्स थी वो, बट इतना कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि अहमदाबाद में भाई बहुत गर्मी होती है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। बट वानखेड़े का अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला गेम अंटिल शाम हुई और मैक्सवेल बैटिंग करने को आया, आई नेवर रियलाइज कि मैं हिस्ट्री विटनेस करने आया हूँ। बाकी इंडिया के मैचेस का टिकट मिलना खैर कहा हमारा नसीब। यू आर इन क्यू फॉर 10,000 ईयर्स, याद है बुक माई शो? कुछ याद आया? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। इफ यू एवर फील ब्रेनलेस, रिमेम्बर मुश्फिकुर रहीम एंड रिजवान वेयर ट्राइंग टू स्लॉग अगेंस्ट द जसप्रीत बुमराह। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ दोनों से भी, मतलब लेजिट दोनों से, अगर तुम वीडियो देख रहे हो, औकात है तुम्हारी बुमराह को मारने की? बुमराह को मारोगे यार? बुमराह को कोई कैसे मार सकता है? अब ये मत बोलो पैट कमिंस ने मारा था। आईपीएल बीपीएल ना बाजू में रखो, अपने देश के प्लेयर को डिफेंड करना सीखो, फिर उसके बाद आईपीएल में राड़े करो। सिर्फ आईपीएल के लिए बाहर के लोगों को हीरो बना देने क्या, अपने देश के लोगों को ऐसे लल्लू पज्जू समझने का? बहुत लोग ऐसे है इस देश में जिनको लगता है कि एबी डिविलियर्स क्रिस गेल ने हमारे लिए वर्ल्ड कप लाया है और एमएस धोनी तो ऐसे ही टिकट बेचते थे ना। सही है भाई, वेल डन, तुम ही हो असली देश के नागरिक। लेट्स फ्रिकिंग गो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? टेस्ट मैचेस एंड पोकी कोहली इज कंप्लीट थेरेपी। भाई विराट कोहली आजकल ज्यादा क्यूट नहीं लग रहे? विराट भाई आपका एग्रेसिव रूप कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्यूटनेस नहीं चलने वाली, आपको भी पता है। वो लोग ऐसे अंग पे चढ़ेंगे, अंग पे चढ़ेंगे। अभी ये मराठी वर्ड है, तुम लोग को समझेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट यू नो व्हाट आई मीन। ऑस्ट्रेलिया में तो होगी खुलेआम स्लेजिंग, बट मेरे हिसाब से नहीं होगी क्योंकि वो लोग भी अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। वो आजकल सिर्फ ट्रॉफी जीत रहे, स्लेज नहीं कर रहे। बट ऑस्ट्रेलिया वालों याद रखो, T20 वर्ल्ड कप हम लोग ने तुम लोग को हराया है। अभी हाँ, तुम लोग WTC और ODI वर्ल्ड कप का फ्लेक्स कर सकते हो। मेरा फ्लेक्स लाइक 20% है, तुम्हारा 80% है, पर ठीक है ना, थोड़ा सा तो फ्लेक्स है। ट्रैविस हेड तू तो अकेला मिल कहीं पे। और हाँ, तेल की बॉटल साथ में लाइयो ट्रैविस हेड। होम ओवरसीज न्यू बॉल ओल्ड बॉल टेस्ट ODI T20 IPL जसप्रीत बुमराह इज सेम एवरीवेयर ग्रेटनेस। भाई मैं कहता हूँ क्रिक सेज का एक एपिसोड जसप्रीत बुमराह की कहानी के ऊपर आना चाहिए कि नहीं, तुम बताओ भाई कमेंट्स में। क्या जसप्रीत बुमराह एक एपिसोड अपने लिए खुद के लिए सेपरेटली डिजर्व करते कि नहीं, तुम बताओ कमेंट्स में। निकल ले भाई तू। बिटवीन 66 हो गए वही पे आ गए तुम लोग। मैं कहता हूँ यहाँ पर आने से अच्छा है टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, लिंक के डिस्क्रिप्शन में सारी टीम के रिटेंशन के लिस्ट डाले, वीडियो के अपडेट्स यहाँ पर डालता हूँ, क्विजेस होते हैं यहाँ पर, पोल्स होते हैं यहाँ पर, बहुत मजा आता है भाई, खुद से एक्टिव होते हैं, वॉइस नोट्स भी भेजते हैं। आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पर तो आ जाओ यार, वो इंस्टा का बाद में देख लो, पर यहाँ पर तो प्लीज आ जाओ, ज्वाइन कर लो। एटलीस्ट 5,000 बंदे आज के आज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर। बुमराह टू रहीम बख्श फॉर अदर टीम सर्टन ग्राउंड आर देयर फोर्ट्रेस, बट फॉर इंडिया इट्स द होल कंट्री। अपना गैबा विबा कुछ नहीं है, ब्रिज करने तो पूरा देश ब्रिज करके दिखाओ, जो कि होने वाले है नहीं। बांग्लादेश को लगा था कि मे बी एक टेस्ट ड्रॉ तो हो जाएगा एटलीस्ट। भाई लेजिट कितने सेशन में हम लोग ने रिजल्ट लाया? आई गेस डे वन पे कुछ तो डेढ़ सेशन खेले थे वो लोग, आई गेस सो। फिर डे फोर पे 3 सेशन खेले, 4 सेशन हो गए। फिर डे फाइव पे आई गेस 2.5 सेशन पे काम हो गए। ऑलमोस्ट 2 दिन में टेस्ट मैच पूरा किया है, ऑलमोस्ट जलवा है हमारा। शैंटो वॉन्ट्स इंडिया, वी आर कमिंग फॉर यू। शैंटो भाई शैंपू लगाओ घर जाके। WTC की स्टैंडिंग आ जाओ लोंडो, स्टैंडिंग्स देखते हैं। इंडिया एज ऑलवेज नंबर 1 पे, राक्षस एज ऑलवेज नंबर 2 पे, श्रीलंका नंबर 3 के ऊपर, इंग्लैंड नंबर 4 के ऊपर। आई डोंट थिंक इंग्लैंड का यहाँ से कोई चांस बनता है, बट हाँ श्रीलंका का चांस बन सकता है अगर हम ऑस्ट्रेलिया को 5 में से मेरे हिसाब से 4 टेस्ट हरा देते। बहुत मुश्किल है, बट इफ वी डू इट तो टेक्निकली वी नॉक देम आउट ऑफ द फाइनल एंड हमें एक एशियन टीम सामने आ जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंकन टीम वीक है, ऑल आई एम सेइंग इज फिर दोनों एशियन टीम खेलेंगे एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर।
ऊपर। दिस इज हाउ द WTC शुड बी, क्योंकि साला अगर तुम इंग्लैंड में मैच रखते हो तो उनसे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस मैच खाती है, न्यूजीलैंड की कंडीशंस मैच खाती है। अगर मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दुबई में मैच कराओ, साउथ अफ्रीका में मैच कराओ, अबे जिम्बाब्वे में मैच कराओ, कितने सारे वेन्यूज है भाई, भाई अमेरिका लेके जाओ, मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क के स्टेडियम में मैच कराओ। अगर तुम्हें न्यूट्रल रखना है ना तो दोनों को भी एडवांटेज मत दो। तुम्हें पता है इस साल का T20 वर्ल्ड कप क्यों मुझे गोटेड लगता है? क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू किसी टीम को कुछ आइडिया नहीं थी, इसलिए लो टोटल्स भी डिफेंड हो रहे थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर तुम्हें गेम याद हो, इवन फाइनल का गेम ले लो यार, कितना इजीली हमने टोटल डिफेंड कर लिया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम इंडिया ही टोटल डिफेंड कर रही थी, बहुत सारे और टीम्स ने भी किया, इवन अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय न्यूट्रल वेन्यू। तुम सारा पहले क्यों वेन्यू डिसाइड कर लेते हो? अभी तो फाइनल के लिए कितने महीने बचे। ऑल आई एम सेइंग इज पहले देखो कौन दो क्वालिफाई हो रहे हैं, और जैसे ही दोनों क्वालिफाई हो जाते फिर डिसाइड करो ना वेन्यू। तुम तो ICC हो, तुम्हारे पास तो पैसों की बौछार है। तुम बताओ गाइस, अगर ICC चाहे, आई एम अगेन सेइंग इट रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम, अगर ICC चाहे, कौन सा स्टेडियम ऐसा है कि जो उनको रोक सकता है? मतलब इमेजिन करो ICC जाती है साउथ अफ्रीका में और बोलती है केप टाउन वालों को, हमें यहाँ पर ना कल मैच कराना है अगले 5 दिनों तक। क्या केप टाउन वालों की औकात है कि वो ICC वालों को रोक सके? जस्ट टेल मी दिस। तो क्यों नहीं बाद में वेन्यू डिसाइड करते, पहले ही साला डिसाइड करने का, और फिर मां बहन हो जाती है। इसी गधेपन की वजह से हमारी 2 गधाएं गई भाई हाथ से। बहुत रेंट हो गया, चलो आगे बढ़ते। यस, बेसबॉल माइट बी अबाउट स्कोरिंग क्विक रन्स एलिजेटली, बट इन गौतिका वी टेक 20 विकेट्स ऑफ ऑपोजिशन इन 121 ओवर्स 4 सेशन। भाई देखो, इसमें अगर तुम अभी गौतम गंभीर को क्रेडिट्स दे रहे हो, लेट मी टेल यू, दिस स्टार्टेड इन द रवि शास्त्री एरा। तुम रवि शास्त्री को बेवड़ा कह लो, पार्टी एनिमल कह लो, मोटा कह लो, जो कहना है कह लो, कहना तो नहीं चाहिए। टेक्निकली ही प्लेड फॉर आर नेशन, ही रिप्रेजेंटेड आर नेशन इन वर्ल्ड कप, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वो होती नहीं इस देश में, एंड दैट्स ऑल फाइन। बट मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, मतलब इट्स नॉट फाइन, बट अभी मीम कॉन्टेक्स्ट के लिए इट्स फाइन। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रवि शास्त्री ने स्टेटमेंट दिया था पिच को हटाओ गेम से, 20 विकेट लेने खेलो। तो गौतम गंभीर ने टीम बनाई नहीं है मेरे भाई, गौतम गंभीर को रेडीमेड टीम मिली है जो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने बनाई थी। नो डिसरिस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, ही इज अ ग्रेट मेंटर, बट गौतम गंभीर ने रेवोल्यूशन नहीं लाया है। हाँ, अगर अपन लोग ICC ट्रॉफी जीतते तो वो होगा रेवोल्यूशन, क्योंकि वो कोहली और रवि शास्त्री के एरा में नहीं हुआ था। तुम कुछ डिफरेंट करो, हम एक्सेप्ट करेंगे ना भाई, दोनों हाथों से तालियां मारेंगे। सिंपल एज दैट, क्रेडिट वेयर इज ड्यू गौतम भाई, समझ रहे हो? फिर हम भी बोलेंगे भाई, हम प्राउड है, गौतम की गोटी है हम। क्या बोल रहा हूं मैं, चलो भाई आगे बढ़ते। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये छलील है ये लोंडा। पॉइंट ऑफ व्यू, होल कंट्री इज अ फोर्ट्रेस फॉर ओपनर्स। अगर दम है आके जीत के दिखाओ सीरीज, और अगर दम है तो इंस्टाग्राम के ऊपर लेटेस्ट रील जाके देख के दिखाओ और लाइक करके दिखाओ। चलो भाई जाओ ना प्लीज, इतनी मस्त रील डाली है, 6-6 घंटा एडिटिंग करता हूं मैं, जाके देख लो ना यार एक बार, जिस लेवल की स्टोरी टेलिंग की है ना लेटेस्ट वाले रील में, खाली जाके देखो, लिंक के डिस्क्रिप्शन में, deadman_v3। द रोमांस बिटवीन विराट एंड गंभीर, बहुत ज्यादा ही ऐसा नहीं लग रहा तुम लोग को? मतलब बहुत ही लग तो रहा है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? द बॉन्ड बिटवीन दिल्ली बॉयज विराट कोहली एंड गौतम गंभीर इज बिकमिंग मोर स्पेशल डे बाय डे। क्यों लड़ते थे तुम दोनों IPL में? मेरे अभी जेन्युइन सवाल है। IPL में एक दूसरे की माँ बहन, गला पकड़, सीधा चीरफाड़, या अभी महाराष्ट्र के मेरे जितने भी दर्शक है उनको ये शब्द समझा होगा, बट भाई IPL में एक दूसरे की ये लोग अंग पे चढ़ते, और यहाँ पे लाइक वुल माई चरा पप्पी पप्पी। क्या दिक्कत क्या है तुम दोनों की, बता दो ना डायरेक्टली। चल जा रोक ले बेटा जा। तुम लोग सोशल मीडिया पे आर करो, मैं आता हूँ एक राइड लगा के। मुझे तो साला अब तक पता नहीं चलता, लोग कहते हैं कि MS धोनी को रिटेन नहीं करना चाहिए, MS धोनी को क्यों रिटेन करे, ऐसा वैसा। मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ, जो CSK के फैंस है उनमें से एक को भी दिक्कत नहीं है बाय धोनी गेटिंग रिटेन। और अगर तुम बाकी 9 टीम के किसी के भी फैन हो तो तुम्हें हक ही नहीं है बोलने का। तुम्हारी टीम का तुम देखो ना, उनकी टीम में क्यों तुम पैर डाल रहे हो? तो ये सेंसलेस आर्ग्यूमेंट है कि धोनी शुडंट बी रिटेन। वो उनकी टीम की सोच है भाई, वो उनका देख लेंगे। और ऐसा तो बोले ही मत कि MS धोनी एक यंगस्टर की जगह खा रहे हैं, वो इंडियन टीम थोड़ी है कि जगह खा रहे हैं। यंगस्टर इतना अच्छा है तो दूसरी टीम में चला जाए, मिल जाएगी जगह। अभी तो इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल है, ऑलमोस्ट 10 टीम का एक एक इंपैक्ट प्लेयर आता है, तो 10 प्लेयर्स को और एक्स्ट्रा चांस मिलने ही वाले है वैसे भी। और वो CSK का कॉल है, उसका ओनर पैसे भरता है, उसका मैनेजर पैसे भरता है, लोगों को क्या दिक्कत है? मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें तो भाई धोनी चाहिए। व्यूज आते वीडियो के ऊपर, टाइटल थंबनेल में मिल जाता है, एकदम ऐसा इजी। बिजनेस माइंडेड मैन बाबा, मैं पहला मराठी मानूस है जो गुजरातियों को टफ देगा, बिजनेस में टफ देगा, टफ होता है टफ। हिला डाला ना।
सर विवियन जॉनी रोड्स, पहले कौन थे? विवियन रिचर्ड्स, अभी जॉन्टी रोड्स। रोज एक नया कैरेक्टर अनलॉक कर रहे मिया भाई, मुझे लग रहा है एक टाइम आएगा रिकी पॉन्टिंग, जस्ट वेट फॉर इट। ठीक है समरिया। बांग्लादेश इंडिया, टीम इंडिया फॉर यू बॉयज। इस फोटो को निहारते हुए अपन ये मीम रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। तो यार जल्दी से आ जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, लास्ट के दो वीडियोस नहीं देखे स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना। मिलते हैं अपन लोग अगले वीडियो में, तब तक लेट, सी यू, प्यार के दे रहो, बाय बाय।